दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करके थोड़ी सीरियसनेस के साथ भी तैयारी करते हो तो आपके हाथ में बहुत ही जल्द एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। इसकी कट ऑफ काफी कम रहती है, साथ ही हाईएस्ट सैलरी रहती है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलती है। हाईएस्ट वैकेंसी इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा रहेंगे। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, केवल 4 से 5 महीनों के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन, इस बार हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 से 4 साल का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। साथ ही गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। 3 साल के अंदर आपको काफी बड़े लेवल के पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पोस्ट के ऊपर मजेदार काम आपका रहने वाला है। इंटरेस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही बैलेंस्ड है। नो इंटरव्यू, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू नहीं होता, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसी है, वैकेंसी बस आ ही रही है। और साथ ही दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर काफी लिमिटेड वैकेंसी रहती है, लेकिन इस बार तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। अब बताइए सुनने में कैसा लग रहा है? मुझे पता है हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का यही ड्रीम होता है कि जल्दी से जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। देखिए दोस्तों अगर आप इस बार इस एग्जाम को टारगेट करते हो तो बहुत ही जल्द आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चिंता मत करिए, आगे इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। ये तो आपको बताऊंगा ही कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकलती है, ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के साथ साथ इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, साथ ही इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे, साथ ही प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन सी रिक्रूटमेंट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा, खुद को झोंक दीजिएगा, चाहे डेली 10-10, 12-12 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस मत होने दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यार इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा था वो है ESICSSO रिक्रूटमेंट। देखिए दोस्तों ESIC मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर SSO मतलब सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। इसी पोस्ट को मैनेजर ग्रेड सेकंड की पोस्ट भी बोल देते हैं, या फिर इसी पोस्ट को सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त लेवल की सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चिंता मत करिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, यह जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बस ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में इससे बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को शायद ना मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म फीस कितनी रहती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹500 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, एसटी एससी पीएच और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹250 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। अब शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। देखिए दोस्तों मैं हवा में बिल्कुल भी बात नहीं करता, डेटा के ऊपर चलेंगे। ये वैकेंसी 2018 में भी निकली थी सेम पोस्ट के ऊपर, सेम डिपार्टमेंट के अंदर। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 5 अक्टूबर 2018 थी और इसका जो फाइनल रिजल्ट डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया था वो 20 फरवरी 2019 को कर दिया था। खुद चेक कर लीजिए, 4 महीनों के अंदर ज्वाइनिंग मिल गई थी स्टूडेंट्स को। उसके बाद 2022 में फिर से ये वैकेंसी निकलती है, फॉर्म की लास्ट डेट 12 अप्रैल 2022 थी और फाइनल रिजल्ट आ चुका था 4 नवंबर 2022 को, 6 महीनों के अंदर फाइनल ज्वाइनिंग दे दी थी। इस बार ये वैकेंसी फिर से आ रही है और कम से कम टाइम में इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के
बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले एज लिमिट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। पहले इसमें 21 से 27 साल एज लिमिट हुआ करती थी, लेकिन इस बार एज में बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। इस बार मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर रखी गई है, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार एज में काफी बढ़िया रिलैक्सेशन दिया गया है। 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 3 ईयर जोड़ लीजिएगा, इसमें एसटीएससी वाले 5 साल और जोड़ लीजिएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलेगा। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बैचलर डिग्री में कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर आपने पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कुछ भी किया है ग्रेजुएशन के नाम पे, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फेज सेकंड में भी आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फेज थर्ड में आपका एक बेसिक कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये केवल नाम मात्र है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, बच्चों वाला है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए वन बाय वन एक-एक फेज को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक बेसिक सा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यह एग्जाम केवल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, केवल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। सेकंड सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी का होता है, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहता है। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहेंगे। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा हो जाती है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, फेज फर्स्ट एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर गए फिर नहीं कर गए। यह कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि हर एक कैटेगरी से वैकेंसीज के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। चिंता मत करिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप भी ये बोलोगे कि भैया इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, और पिछली बार तो वैकेंसीज भी बहुत कम थी इस साल के कंपैरिजन में। देखिए दोस्तों, ये 2022 की ESIC SSO प्रीलिमिनरी एग्जाम की क्वालिफाइंग कट ऑफ है। सेक्शन वाइज ओवरऑल एग्जाम की कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको दिखाने वाला हूं। 2022 में जनरल कैटेगरी की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो 13.5 नंबर थी। अगर 2022 में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के 30 में से 13.5 नंबर थे वो क्वालिफाई कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में, वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 में से 15.75 मार्क्स कट ऑफ थे, वहीं पर रीजनिंग एबिलिटी में 35 में से 15.75 मार्क कट ऑफ गए थे। वहां पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी लिखे हुए हैं। वहीं पर ओवरऑल कट ऑफ की हम बात करें 2022 की प्रीलिमिनरी एग्जाम की, तो जनरल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो 76.25 मार्क्स थी, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर था तो 100 में से 76.25 मार्क्स कट ऑफ गई थी। वहीं पर एससी कैटेगरी की 68.5 थी, एसटी की 62.75, ओबीसी की 72.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 72.75 कट ऑफ थी, ठीक है। ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ है। यहीं पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम है ना, फेज फर्स्ट का जो एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। मतलब इसके जो मार्क्स है ना वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते, फाइनल सिलेक्शन प्रीलिमिनरी एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर नहीं होता। ये
ये एग्जाम केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे एवरेज सी प्रिपरेशन के साथ ही। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद बारी आती है फेज सेकंड एग्जामिनेशन की, जो कि टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से पहला सेक्शन रीजनिंग और इंटेलिजेंस का रहने वाला है। 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 नंबर के आएंगे, ठीक है, और 35 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल इकोनॉमी फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, 30 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट टाइम रहेगा। चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 40 क्वेश्चन लेकिन 60 नंबर के अंदर, 35 मिनट टाइम रहेगा सोल्व करने के लिए। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर थे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहती है, 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम होने के बाद एक और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज थर्ड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम यानी कि 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसके एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजिली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कौन से एग्जाम के लिए, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है इस बार। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर एग्जाम सेंटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है ये। 2022 में कट ऑफ क्या थी मेंस एग्जाम की कैटेगरी वाइज देख लीजिए। जनरल कैटेगरी की 200 नंबर का आपका पेपर था, 99.88 कट ऑफ गई थी। देखिए मेंस एग्जाम 200 नंबर का था, जनरल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी 99.88 थी 200 में से। एससी कैटेगरी की 83.96 थी, एसटी कैटेगरी की 99.88 से, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बैंकिंग लेवल एग्जाम अगर आप देखोगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया फेज थर्ड क्या होता है। पहले बता दूं, फेज थर्ड जो है ना क्वालिफाइंग नेचर है, बच्चों वाला है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। फेज थर्ड आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका पार्ट ए मतलब ए और बी आपका रहने वाला है। फेज थर्ड आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर के एक स्किल टेस्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर के ऊपर कुछ बेसिक टास्क करके दिखाने होते हैं। और ये जो फेज थर्ड का एग्जाम है ना, ये टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें से 50 नंबर का तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा, बाकी 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा जिसमें आपको लेटर और एसे लिखने होते हैं। पहले कंप्यूटर के स्किल टेस्ट को समझ लीजिए, इसमें आपके 50 नंबर का होने वाला है, 30 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, ठीक है। 3 टास्क आपको इसमें दिए जाएंगे, वो भी हमारे एमएस ऑफिस से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें से एक एमएस पावर पॉइंट की स्लाइड आपको दिखानी होगी बना के, 2 स्लाइड आपको इसमें बनाने के दिखानी होगी, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। वहीं पर आपको टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, आपको एमएस वर्ड के ऊपर टाइप करके दिखाना होगा उस मटेरियल की जो आपने टाइप किया, बेसिक फॉर्मेटिंग आपको करके दिखानी होगी कि जो लेटर्स होते हैं उनको बोल्ड कैसे करते हैं, लेटर्स का कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, कोमा कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज आपको करके दिखानी होगी। 20 मार्क्स का ये टास्क रहेगा। थर्ड टास्क आपका रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूले। एमएस एक्सेल के ऊपर आपको कोई टेबल बना के दिखानी होगी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आपका वी लुकअप, एच लुकअप टाइप के फॉर्मूले होते हैं ना, इनका इस्तेमाल करके भी आपको दिखाना है, ठीक है। ये भी आपका 20 नंबर का रहता है। मेरे हिसाब से सभी लोग कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, पावर पॉइंट बहुत ही ईजी है, स्लाइड बनाना बच्चों का खेल होता है, एमएस वर्ड के ऊपर भी बहुत ही ईजी होती है, फॉर्मेटिंग वगैरह आप इजिली कर लोगे। बस एमएस एक्सेल में थोड़ा सा भेद है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर थोड़े से ट्यूटोरियल देख लोगे, एच लुकअप वी लुकअप जो बेसिक फॉर्मूले है उनको देख लोगे, तो इजीली आप ये 50 के 50 नंबर सिक्योर कर सकते हो। वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है, ये मार्क्स मैटर नहीं करते फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर का है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जहां पर आपको लेटर राइटिंग और ऐसे करके दिखाने होंगे, एक लेटर लिखना होगा, एक ऐसे आपको लिखना होगा, 30 मिनट आपको दी जाएगी, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है, 50 नंबर का कंप्यूटर स्किल टेस्ट, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, टोटल फेज थर्ड एग्जाम हमारा 100 नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक इसकी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है ना
वो डिसाइड नहीं की गई है, वो डिपार्टमेंट तभी डिसाइड करता है, ठीक है, कि 100 में से आपको 50 या फिर 35 नंबर लाने होंगे तो आप इस फेज थर्ड को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। बहुत ही कम रहता है आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे, मैंने तो नहीं सुना कि बहुत लोग इसमें डिस्क्वालिफाई हुए हों 2018 या फिर 22 में, ज्यादातर लोग इसको इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स एड नहीं होते, फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। फेज सेकंड का जो एग्जाम था कितने नंबर का था भाई, 200 नंबर का था, तो एक फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, ठीक है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका ईएसआईसी एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि 2022 में फाइनल कट ऑफ क्या गई थी कैटेगरी वाइज। देखिए दोस्तों, आपके सामने ईएसआईसी एसएसओ 2022 एग्जाम की फाइनल कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 200 में से 108 नंबर थी, आपने नोटिस कर लिया होगा। मेंस एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो लगभग 99 मार्क्स के आसपास थी 200 में से। फाइनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 में से 108 मार्क्स ही फाइनल कट ऑफ गई है। और पिछले साल वैकेंसीज बहुत ही कम थी, केवल 100 के आसपास ही तो वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा है, पिछले साल से कई गुना ज्यादा इस बार वैकेंसीज रहेंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 105 नंबर के आसपास कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी से 97 मार्क्स के आसपास कट ऑफ थी, एसटी कैटेगरी से 102 मार्क्स के आसपास कट ऑफ थी, ओबीसी कैटेगरी से 107 मार्क्स कट ऑफ थी, और ये 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनी थी। और ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज है जो कि काफी कम थी, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा रहेंगी। देख रहे हो, इतनी कम वैकेंसीज होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी कम थी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस पोस्ट और इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत कम है, काफी सारे लोग इसके रिगार्डिंग बहुत वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि उनको खुद नहीं पता इस डिपार्टमेंट की अच्छाइयों के बारे में। और पिछली बार वैकेंसीज रैंडमली निकली थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी रहेगी, ये इसका प्रोसीजर रहेगा, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इस टाइम तक वैकेंसीज आ सकती है। बता रहा हूं फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, चिंता मत करिए। सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 7 की सैलरी मिलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 65,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,60,000 से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हर साल सैलरी में एक बेहतरीन इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहता है। ये पूरी सैलरी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है जो कि बेसिक सैलरी का 40% हो चुका है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, लंच अलाउंस भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिलता है, साथ ही कुछ डिडक्शन होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी यानी कि शुरुआती सैलरी 60,000 के आसपास हो जाती है। प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड आपके इसमें 2 साल का रहता है, प्रॉपर आपको इसमें सैलरी दी जाती है। जॉब प्रोफाइल आप पोस्ट की नेचर से ही समझ सकते हो, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, इसी पोस्ट को मैनेजर ग्रेड सेकंड की पोस्ट भी कहा जाता है, यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर ईएसआई के रीजनल ऑफिसेज हैं, जो रीजनल ब्रांचेज हैं, एक तरीके से उन ब्रांचेज को आप हेड करोगे, आप प्रॉपर मैनेजर के तौर पर काम करते हो ब्रांचेज के अंदर, एक अलग कैबिन आपको मिलता है, ये कंप्लीटली एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ता है, 9 to 5 की जॉब है, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिर कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं होती है, ठीक है। जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स है, वो आपके अंडर काम करेंगे, आपके अंडर लगभग 30 से 40 एम्प्लॉय काम करते हैं ब्रांच के अंदर, तो आप एक ब्रांच को हेड करते हो, बहुत ही बढ़िया लेवल की पोस्ट है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह दिया, अगर इस बार स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है तो जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन भी रह जाएगी। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है, फिक्स 3 से 4 साल के अंदर ही आपको अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिल जाता है। अब आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लोगे, 3 से 4 साल के बाद आपको इसमें मैनेजर स्केल 3rd की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। मैनेजर स्केल 3rd काफी बड़े लेवल की पोस्ट होती है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है, तो आपको प्रमोशन मिल जाता है, सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, शुरुआती सैलरी उस पोस्ट के ऊपर 75,000 से 80,000 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने 2018 में सिलेक्शन लिया था ना, उनका यही कहना है कि 3.5 साल के अंदर आपको स्केल 2nd स्केल 3rd की पोस्ट तक पहुंचने का मौका मिल जाता है, तो इतनी बेहतरीन ये पोस्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी दे दी है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि भैया इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी
क्लासेस कब रहेगी, कितनी रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 649 रहने वाली है। पिछली बार लगभग 99 वैकेंसी थी, तो पिछली साल के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा इस बार वैकेंसीज है। 649 टोटल वैकेंसीज है। वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। आपको पता है 13 अक्टूबर के आसपास ESIC के द्वारा एक इंट्रोडक्टरी नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें आने वाली सभी पोस्ट के बारे में जानकारी दी थी कि 2023 तक किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कितनी वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा और कितनी वैकेंसीज को प्रमोशंस के थ्रू भरा जाएगा। तो उसमें यही कहा गया था कि जो SSO की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलेगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 649 वैकेंसीज को भरा जाएगा। क्लियर है। पिछले साल 2022 में टोटल वैकेंसीज 93 थी, उससे पहले 2018 में 539 वैकेंसी थी। तो पिछले 3-4 साल के कंपैरिजन में इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो कट ऑफ में डेफिनेटली थोड़ी और राहत आपको देखने को मिलेगी। फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक स्टार्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम अगर हम लगा के चले अप्रैल 2024 से पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आने को कल आ जाए, अगले महीने आ जाए, फरवरी में आ जाए, लेकिन वैकेंसीज गारंटेडली आने वाले 3-4 महीनों के अंदर लाइव हो जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ESIC के अंदर 2022 में लास्ट वैकेंसी निकली थी UDC स्टेनोग्राफर MTS की पोस्ट के ऊपर जैन फरवरी के अंदर, उसके बाद उसी के जस्ट बाद ESIC के अंदर SSO की पोस्ट के ऊपर 2022 में वैकेंसी अप्रैल में निकली थी। तो वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है, वैकेंसीज की सारी जानकारी है, जो प्रोसीजर बदला गया, जो चेंजेस हुए, इस नोटिफिकेशन भी दे रखे हैं, बस वैकेंसीज निकलने की देर है। वो बहुत ही जल्दी वैकेंसीज आने वाली है। इसी पोस्ट के साथ साथ UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, MTS स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज आने वाली है, तो रेडी रहिएगा, इन तीनों चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरी पसंदीदा जो पोस्ट है वो SSO की पोस्ट है, मैनेजर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। इससे बेहतरीन मैं पोस्ट कोई और मानता ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। जैसे ही इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी छोटा बड़ा अपडेट निकल के आता है, तुरंत आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, वे टू सक्सेस की ये जो दोनों सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक है, इनका नया एडिशन अवेलेबल हो चुका है, दोबारा से हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस स्टैटिक जीके एकदम डिटेल से कवर कर रखा है। साथ ही इस वाली बुक में अब तक के जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर है, विद आंसर की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो दोस्तों, इन दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon Flipkart के ऊपर अवेलेबल है, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी जनरल अवेयरनेस की शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।